बनाने जा रहे हैं आलू गोश्त के लिए जो है मैंने प्याज जो है वो तेल में डाल दी है। अब इसको फ्राई कर लेते हैं, तेल में जो है वो हल्का सा गुलाबी कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप सब लोग ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। और यहाँ मैं बनाने जा रही हूँ आलू गोश्त, और इसमें मैंने जो है प्याज गुलाबी रंग करके और जो है इसमें गोश्त डाल दिया है। और इसके बाद जो है वो मैं इसको फिर थोड़ा भूनूंगी लहसुन अदरक डाल के। ये देखें, अच्छा मेरे हाथ में ना मोबाइल था तो वो सही तरह जो है ना देखती हिल रही थी घुमाते हुए ना, तो ये मैं इसको जो है वो मिक्स कर रही हूँ। और यहाँ जी मैंने अच्छी तरह मोबाइल रख के जो है ना वो उसको मिक्स कर दिया था। और फिर जो है इसमें मैं लहसुन अदरक डाल रही हूँ, दो चमचे जो है वो मैंने तकरीबन इसमें लहसुन अदरक के डाले हैं। और लहसुन अदरक डाल के फिर मैं इसको दोबारा से अच्छी तरीके से भूनूंगी ताकि जो है गोश्त की भी स्मेल निकल जाए और लहसुन अदरक भी जो है वो इसमें शामिल होकर लहसुन अदरक जो है वो मिक्स हो जाए और उसकी भी स्मेल निकल जाए। और यहाँ पर जी मैं अच्छी तरह इसको भून चुकी हूँ, ये देखें। अब जो है इसमें मैं आगे मसाले डालूँगी, और यहाँ पर देखें जी अब मैं डालूँगी इसमें जो है वो हल्दी मैंने डाली है, तकरीबन मैंने आधी चमची से थोड़ी सी ज़्यादा इसमें हल्दी डाली है। और उसके बाद जो है वो पिसी हुई मिर्च मैंने दो चमचे डाले हैं, ये देखें दो चमचे मैंने इसमें पिसी हुई मिर्च के डाले। और ये इसमें मैंने नमक भी डाल दिया, नमक आप अपने टेस्ट के मुताबिक डाल दें, कोई कम खाता है कोई ज़्यादा खाता है, कम का तो हल है कि दोबारा डाल सकता है लेकिन ज़्यादा का कोई हल नहीं है कि कम कर सके। तो सारी चीज़ें मैंने इसमें मसाले डाल के जो है वो इसको अच्छी तरह से जो है वो मैं गोश्त में मिक्स कर रही हूँ। और उसके बाद जो है वो फिर मैं इसमें जो है जितना ज़रूरत होगा ना पानी की, जितनी इसमें ज़रूरत होगी फिर मैं इसको, देखिए मैंने पहले सारे मसालों को जो है ना वो अच्छी तरह गोश्त में भून लिया है। और गोश्त को जितना भूनेंगे ना उतना टेस्ट आएगा। और ये देखें गोश्त मैंने अच्छी तरीके से जो है वो भून लिया है। अब जो है इतना मैंने पानी डाल दूँगी कि गोश्त जो है वो गल जाए, उसके बाद हम इसमें टमाटर डालेंगे। तो मैंने इतना पानी डाल दिया है कि गोश्त इसमें गल जाएगा। और इसको जो है वो मैं अब इसको ढक के जो है वो रख दूँगी। और ये देखें मैंने ढक के रख दिया था, और ये तीन बड़े बड़े जो है वो टमाटर थे, और पानी को जो है खुश्क हो गया, गोश्त गल गया था, तो मैंने इसमें तीन बड़े बड़े टमाटर डाल दिए हैं। और यहाँ पर जो है ये मैं इसको अच्छी तरीके से जो है मिक्स कर रही हूँ। और फिर इसको मैंने ढक दिया था ताकि टमाटर जो है वो भाप से गल जाए। और यहाँ पर जो है टमाटर भाप से गल चुके हैं, ये देखें मिक्स हो चुके हैं, बिल्कुल भी टमाटर नज़र नहीं आ रहे। और अभी से कितना मज़ेदार सा लग रहा है, जैसे कितना अच्छा बना है। अच्छे तरीके से इसको भूनने के बाद टमाटर में भी, और फिर मैं इसमें शामिल करूंगी आलू। देखिए मैं इसमें डाल रही हूँ अब आलू, और आलू डालने के बाद जो है ना जब मैं सारे आलू डाल दूंगी इसमें, और आलू तकरीबन जिसको अच्छे लगते हैं बहुत ज़्यादा कोई कम भी डालता है, और मैंने जो है सही डाले थे गोश्त भी क्योंकि ज़्यादा था, और आलू भी सही डाले थे क्योंकि बच्चे भी खाते हैं आलू शौक से, तो इस वजह से जो है ना आलू डालने के बाद भी फिर मैंने इसको भुना। और उसके बाद जो है वो मैं अब इसमें इतना पानी डाल दूँगी, यानी इसको इतना शोरबा लगा दूँगी उसी में आलू भी गल जाए, उसी में हमारा शोरबा भी बन जाए। आलू गोश्त ये शोरबे वाला सालन था, मैं आपको बता दूँ ये भुना हुआ नहीं था, ये आलू गोश्त शोरबे वाला सालन था। और मैं अब इसमें इतना पानी डालूँगी कि ये जो है वो उसी में आलू भी गलें और उसी में ही मैं जितना शोरबा हमें रखना हो उसी में ही रख लूँ।
और यहाँ पर देखें जी तकरीबन हमारा जो है वो गोश्त, आलू गोश्त जो है वो तैयार हो चुका है। और अब मैं इसमें जो है वो गरम मसाला डाल रही हूँ पिसा हुआ। ये देखें जी तेल भी ऊपर आ गया था और मैंने हरी मिर्च भी ऊपर से इसमें डाल दी है। और आलू गोश्त की रेसिपी कैसी लगी आपको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और ये जी जो है स्कूल का फर्स्ट डे है और आयशा जो है वो स्कूल जा रही हैं। आयशा का स्कूल में 2 महीने के बाद जो है वो पहला दिन है जाने का। और स्कूल सबके तकरीबन बच्चों के खुल चुके हैं। और ये मैंने इस्त्री करके आयशा के कपड़े पहले ही रख दिए थे। आयशा मुँह हाथ धो के बैठी हैं, बस इनको तैयार करना है। और आयशा को यहाँ मैं तैयार कर चुकी हूँ। यहाँ देखें आयशा का नाश्ता भी आ चुका है। और आयशा नाश्ते में शौक से जो है वो रात की रोटी जो है वो मसल के खाती हैं चाय में। और यहाँ देखें बस मैं आयशा को अब स्कूल छोड़ने के लिए जा रही हूँ। वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। दुआओं में याद रखिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।